महाराष्ट्र में अभी साफ नहीं हुई सरकार गठन की तस्वीर। बीजेपी शिवसेना की मांगों पर विचार करने के मूड में, लेकिन लिखित आश्वासन देने से किया इनकार। आज दिल्ली में होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। झारखंड में जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी कांग्रेस। आज दिल्ली में होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, प्रत्याशियों के नामों पर की जाएगी चर्चा। चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव को बनाया गया कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन। दिल्ली में प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पराली जलाने को लेकर पंजाब हरियाणा यूपी के मुख्य सचिवों की आज कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली में ऑड इवन का आज तीसरा दिन, आज सड़क पर दौड़ रही हैं इवन नंबर की गाड़ियां। रूल्स तोड़ने पर पिछले दो दिनों में कटे कई चालान। 30,000 मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज। हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जारी किया है नोटिस, एक दिन पहले धरने पर बैठे थे पुलिस वाले। दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका राष्ट्रपति ने ठुकराई। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में सह अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर दायर की गई थी याचिका। उत्तर प्रदेश में हाथी में नई जान फूंकने की तैयारी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आज लखनऊ में करेंगी जिला अध्यक्षों, मंडल जोन इंचार्ज और जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। संगठन में फेरबदल को लेकर होगी चर्चा। प्याज की बड़ी कीमतों पर एक्शन में आई केंद्र सरकार, कई देशों से प्याज आयात करने की तैयारी में सरकार। अभी कई राज्यों में 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। वनडे क्रिकेट को लेकर सचिन तेंदुलकर का सुझाव, कहा वनडे क्रिकेट का बने नया फॉर्मेट, 25 ओवरों की हो 4 पारियां। पाकिस्तान ने फिर की ऊंची हरकत, करतारपुर के लिए जारी वीडियो सॉन्ग में दिखा भिंडरांवाला का पोस्टर, वीडियो क्लिप में सिद्धू को भी दी गई जगह। रूस और चीन के साथ मिलकर हथियार नियंत्रण पर काम कर रहा है अमेरिका, एक बड़े हथियार नियंत्रण जैसे समझौते पर बातचीत कर रहे हैं तीनों देश। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, हर साल लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक कूड़ा कचरा समुद्रों में फेंका जा रहा है। समुद्री कूड़ा कचरा बना है 800 से ज्यादा प्रजातियों के लिए खतरा। अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने चीन पर किया कटाक्ष, कहा साम्राज्यवादी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर बनाया निशाना। अमेरिकी प्रशासन ने वेनेजुएला के 5 अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध, वेनेजुएला की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में अमेरिका ने उठाया कदम। लाल निशान के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 118 अंकों की कमजोरी के साथ 40,133 पर पहुंचा। निफ्टी 37 अंक लुढ़क कर 11,880 पर कर रहा है कारोबार। अब सभी नौकरियों को अनस्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड श्रेणी में बांटने जा रही है मोदी सरकार, नई श्रेणियों के आधार पर ही तय होगी न्यूनतम मजदूरी। देश में सोने की खरीदारी 32% घटी, आर्थिक सुस्ती और ऊंची कीमत से घटी मांग। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सोने का आयात 66% घटकर 80.5 टन रह गया। कमजोरी के साथ हुई रुपए की शुरुआत, डॉलर के मुकाबले रुपया आज 10 पैसे कमजोर होकर 70.79 के स्तर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 8 पैसे बढ़कर 70.79 के स्तर पर हुआ था बंद। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, दिल्ली में पेट्रोल 72.06 तो डीजल 65.76 प्रति लीटर बिक रहा है।